अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेथड की एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इसमें हमारे पास, जिस हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे, फॉर्म हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स, इस फॉर्म में बननी चाहिए हमारे पास। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वही यहाँ पे हो, वही यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाई मौजूद है वही यहाँ, वो यहाँ पे मौजूद हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स है, अंदर वाली ये चीज़ नहीं है, बल्कि इक्वल की सिर्फ क्यू ऑफ एक्स दे दी है, लेकिन उसमें भी वाई इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल ई वाई माइनस एक्स, इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे आके डी एक्स ओवर डी वाई, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए उलट होगी ना, ऊपर डी एक्स लगा के डी वाई नीचे आ गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जानी चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस यहाँ पी ऑफ वाई होना चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास होता है, पी ऑफ वाई, और यहाँ पे एक्स है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे क्यू ऑफ वाई। इस फॉर्म में हमारे पास अब इक्वेशन होनी चाहिए, डी एक्स ओवर डी वाई तो आ गया हमारे पास, अब यहाँ पे प्लस पी ऑफ वाई और एक्स होना चाहिए, इस तरफ सिर्फ वाई, मतलब इक्वल की उस तरफ सिर्फ वाई वाली होनी चाहिए। तो हम ये वाई वाली को इस तरफ रख देंगे, इसे हम उस तरफ ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इक्वल ई वाई। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स। अब यहाँ पे वाई नहीं है तो उसे वाई की पावर ज़ीरो लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पे वन है, जो वाई पी ऑफ वाई है वो हमारे पास यहाँ पे वन दे दिया गया है, और यहाँ पे क्यू ऑफ वाई भी हमारे पास मौजूद है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली वैसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए, ई की पावर में इसका इंटीग्रल ले लेंगे, वन डी वाई आ जाएगा, तो इसका हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ई की पावर वाई। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी ई की पावर वाई डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ई की पावर वाई एक्स, ई की पावर वाई पहले से थी तो ये वाला वाई जब आया तो ये हमारे पास ई की पावर टू वाई हो गई, क्योंकि ई की पावर जब सेम थे इसकी बेस, तो हमने पावर जो थी वो ऐड कर दी। अभी हमारे पास डेरिवेटिव किसका बन रहा है, इसके साथ जितनी भी अमाउंट लिखी है वो हमने लिख लेनी है, और साथ में इस डी के साथ ऊपर यानी कि जो लिखा हुआ है वो हमने लिख लेना है, तो यहाँ पे डी ओवर डी वाई आ जाएगा। अब चेक करें, इस पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा, और ये एज इट इज़, अब ये हमारे पास एक्स एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव हमारे पास ई वाई आ गया इक्वल ई की पावर टू वाई। यानी अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि अब हमारे पास डी ओवर डी वाई है, हमने इसे ख़त्म करना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, बोथ साइड पे कर देंगे। जब इसको करेंगे ये इंटीग्रल के साथ ख़त्म हो जाएगा, ई वाई आ जाएगा एक्स, और ये जब हम करेंगे तो ये इसका इंटीग्रल हमारे पास ई की पावर टू वाई ओवर टू आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, ये जब ई की पावर वाई नीचे आएगा तो एक कट जाएगा, ऊपर ई की पावर वाई रह जाएगा, ओवर टू प्लस सी ओवर ई की पावर वाई आ गया, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। इसे एक बार फिर से देख लें, हमारे पास इस तरह से इक्वेशन दी गई थी, हम इसे इलादा नहीं कर सकते, तो उसे इलादा करने के लिए क्या किया हमने, इसका रेसिप्रोकल ले लिया और हमें इस फॉर्म में बनाना था। अब हमारे पास ये डी एक्स ओवर डी वाई आ गया, मतलब इस ये भी इक्वेशन भी जो है ये भी उलट हो जाएगी, मतलब डी एक्स ओवर डी वाई, और यहाँ पे हमारे पास पी ओ एक्स था, हमने पी ओ वाई कर दिया, यहाँ वाई था हमने एक्स कर लिया, यहाँ पी क्यू ओ एक्स था हमने क्यू ओ वाई कर लिया, इस फॉर्म में हमने इक्वेशन बना ली। अब हमारे पास इस फॉर्म इक्वल की इस तरफ सिर्फ क्यू ओ एक्स होना चाहिए, तो हमने वाई क्यू ओ वाई होना चाहिए, तो हमने इस तरफ सिर्फ वाई वाली वैल्यू रख ली, दूसरी उस तरफ रख ली। अब एक्स के साथ जो एक्स का कोफिशियंट था वो हमारे पास पी ओ वाई था, वो वन था, हमने उसे ले लिया, उस बाकी सेम एज इट इज़ हमने वैसे ही किया जैसे हम पहले करते होते थे, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अब इसे क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स है, हमने इसे डिवाइड कर देना है, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ इसका कोफिशिएंट मौजूद नहीं हो, जिसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई क्यूब, ठीक हो गया। अब हमने इसमें से x और y वाली लैदा लैदा करनी है ताकि हमारे पास y वाली हम जो है y वाली इस तरफ लेके आ सकें, लेकिन अब ये हमारे पास लैदा लैदा नहीं हो सकती। इसके लिए क्या हम करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेंगे तो इजीली हम इसे लैदा लैदा कर सकते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस टू वाई क्यूब ओवर y। अब हम इसे ब्रेक कर सकते हैं इजीली, इसमें से x और y वाली लैदा लैदा, ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, इसे लिख लेंगे x ओवर y, और इसे जब टू वाई क्यूब ओवर y लिखेंगे तो एक y कट जाएगा तो ये आ जाएगा टू वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए नीचे y मौजूद है, डी ओवर डी एक्स ओवर डी वाई है, मतलब नीचे हमारे पास y है तो y वाली उस तरफ आनी चाहिए, मतलब इस फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन बन गई है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी ऑफ y x इक्वल क्यू ऑफ y, ठीक हो गया। इस फॉर्म में भी इक्वेशन आनी चाहिए हमारे पास, तो इस इक्वल किस तरफ सिर्फ y वाली होनी चाहिए और इस तरफ y और x वाली दोनों होनी चाहिए। y ओवर x वाली उस तरफ हम ले जाएंगे, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये देखो हमारे पास क्यू ऑफ वाई आ गया, ये पी ऑफ वाई, ये माइनस वन ओवर वाई जो है हमारे पास क्यू ऑफ वाई आ गया, और ये साथ में हमारे पास एक्स आ गया डी एक्स ओवर डी वाई। तो हमारे पास पी ऑफ वाई क्या आ गया यहाँ पे, माइनस वन ओवर वाई, इसको हम एक ही पावर में लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन ओवर वाई डी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा e नेचुरल ऑफ y, ये माइनस जो साथ में तो इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस वन, या हम वन ओवर y भी लिख सकते हैं। वन ओवर y से इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर y डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वायर। अब जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई वन ओवर y से, तो एक y से कट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा टू वाई, ये हमारे पास इक्वेशन हम बन रही है। अब हमने ये करना है कि ये डेरिवेटिव किसका बन रहा है वो लिखना है, इसके साथ जितनी भी लिखी हुई है वो हमने लिख लेनी है डी ओवर डी वाई, और यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है एक्स उसे लिख लेना है, और बाहर हमने लिख लेना है डी ओवर डी वाई। अब चेक करते हैं इस फॉर्म में बन रही है या नहीं, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया, इसे जब हम करेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा। अब इसे हम एक्स को एज इट इज़ लिख लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आएगा माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर, वो किस तरह आएगा ये देखिए ज़रा, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस वन, इस पर पावर रूल लगेगा, पावर लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, और y का डेरिवेटिव लेने का वन ही आ जाएगा, ये माइनस पावर माइनस टू होगी तो नीचे आके y स्केयर हो जाएगा, तो ये देखिए वन ओवर y स्केयर आ रहा है, वही इस तरफ है माइनस वन ओवर y स्केयर टू वाई। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू y ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर y, ये इंटीग्रल के साथ कट हो जाएगा x, इसे जब करेंगे ये हमारे पास टू वाई स्क्वेयर ओवर टू प्लस सी, पावर में एक ऐड हो जाएगा उसी से डिवाइड। अब हम इसे एक्स इधर रहने देंगे, वन ओवर वाई उधर ले जाएंगे, ये से कट जाएगा सी वाई, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया गया है, हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स के साथ हमारे पास एक्स मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल वाई स्क्वायर नेचुरल ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास इस फॉर्म की बन गई है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल क्यू ऑफ एक्स, इस फॉर्म में पहली इक्वेशन होती थी, अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो गई है, वो है वाई की पावर एन, मतलब वाई की कोई भी पावर, जिस तरह यहाँ वाई की पावर टू दे दी गई है, इस फॉर्म में आ गई है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन, यू डबल एल आई बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन
ठीक हो गई, हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसे हम थोड़ा से एक दो स्टेप्स इसमें करेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर हमारे पास जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी और हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल वाई स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स आ गया। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स जो है इसके साथ जो हमारे पास वाई स्क्वायर है इस पर इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी y पावर माइनस टू डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब वन ओवर वाई स्क्वायर आएगा तो सुपर ले जाएंगे माइनस टू हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस वन, नीचे वाई स्क्वायर आएगा तो एक y कट हो जाएगा तो y की पावर वन रह जाएगी तो ऊपर आके माइनस वन हो जाएगी, ओवर x इक्वल नेचुरल लॉग x ओवर x। अब हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। अब देखें ये इक्वेशन कुछ कुछ हमारी उस फॉर्म में बन गई है जिस फॉर्म में पहले इक्वेशन दी जाती थी, लेकिन बस इसके साथ यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाई आ गया है, इसे हमने ख़त्म करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है वाई की पावर माइनस वन उसे हम लेट कर लेंगे, किसी भी वी की इक्वल एड कर लेते, यू इक्वल किसी की भी इक्वल एड कर सकते हैं, लेट वी इक्वल वाई की पावर माइनस वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वी ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन y की पावर माइनस टू हो जाएगी और साथ में डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो हमारा बन रहा है इतनी चीज़ वो यही आ रही है, साथ में क्या नहीं है हमारे पास माइनस नहीं है, तो इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसका साइन भी ये चेंज कर देते हैं और इसका साइन भी चेंज करते हैं, माइनस में इक्वेशन हमने लिख ली ताकि ये चीज़ बन जाए। अब हम ये इसकी जगह वी पुट कर देंगे और इसकी जगह हम डी वी ओवर डी एक्स पुट कर देंगे, अब इस सारे की जगह आ जाएगा हमारे पास डी वी ओवर डी एक्स माइनस, अब इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा वी ओवर एक्स, ये इक्वल माइनस नेचुरल लॉग एक्स ओवर एक्स, ये वैसे ही रह गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई है, डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वी इक्वल क्यू ऑफ एक्स, पहले यहाँ पे हमारे पास y होता था अब यहाँ पे हमारे पास v आ गया, सेम पहली इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v लेंगे, v पी ओ फैक्स लेंगे, पी ओ फैक्स हमारे पास यहाँ पे है माइनस वन ओवर x, उसी तरह e की पावर में इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस वन ओवर x dx, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर नेचुरल ऑफ x और साथ में यहाँ माइनस होगा इसकी पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर माइनस वन या वन ओवर एक्स भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा वन ओवर एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वी ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इक्वल माइनस एल एन एक्स और ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है उस फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या करना हो तो इसके साथ जो लिखा होता है उसे लिख लेना होता है वन ओवर एक्स, यहाँ पे जो लिखी चीज़ होती है उसे लिख लेते हैं, तो साथ में बाकी ये जो बच के इसे बाहर लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स। अब इसे चेक करते हैं, वन ओवर एक्स एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स, वी एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स के, जिस तरह पीछे वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन में लेकर दिखाया था वैसे ही आ रहा है, इक्वल माइनस नेचुरल लॉग एक्स, इसे हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस टू माइनस। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स वी, ये इंटीग्रल के साथ ख़त्म हो जाएगा ये माइनस। अब इसे यहाँ पे जो है हमारे पास इसे दो फंक्शन बना लेंगे, इसे हम कह देंगे एफ ऑफ एक्स, इसे जी ओफ एक्स ले लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, एफ ओफ एक्स हमने ले लिया एल एन एक्स और जी ओफ एक्स हमने ले लिया एक्स की पावर माइनस टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेते होते हैं, सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करते होते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स आ जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले ये वाला लिखते होते हैं बाद में ये वाला लिखते होते हैं, मतलब माइनस वन ओवर एक्स एल एन एक्स आ जाएगा, उसके बाद फिर माइनस नीचे वाले दोनों लिख लेते होते हैं, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स वी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वन ओवर एक्स नेचुरल ऑफ एक्स, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा ना, एक्स की पावर माइनस टू बन जाएगी, तो जब हम इसे करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे आया था एक्स स्क्वायर का किया था,
माइनस वन ओवर एक्स, वो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो वन ओवर एक्स प्लस सी हमारे पास आ गया। अब वन ओवर एक्स एक्स हमारे पास, एक्स से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सब सारे डिनोमिनेटर से एक्स खत्म हो जाएगी, बस इसके साथ एक्स आ जाएगा। वी नेचुरल ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स आ गया। अब वी जो हमने लेट किया था स्टार्ट में, वो क्या किया था, वाई की पावर माइनस, मतलब हम इसे ये भी लिख सकते हैं वन ओवर वाई, तो इस वी की जगह हमारे पास आ जाएगा वन ओवर वाई, बाकी सारा वैसे आ जाएगा एन ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई है। इसे एक दफ़ा फिर से देख लें, हमने इक्वेशन इस फॉर्म में बना ली थी, हमने उसके बाद लेट किया कि ये जो हमारे पास एक्स माइनस वन है, वाई माइनस वन है, वो वी की इक्वल है, उसका डेरिवेटिव लिया, हमारे पास ये फॉर्म हो गया, इसमें माइनस भी हमारे पास आ रहा था, तो इक्वेशन में यहाँ पे माइनस नहीं था, तो हमने पूरी इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, इसकी जगह हमने पुट कर दिया डी वी ओवर डी एक्स, इसकी जगह वी पुट कर दी और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ लिख ली, तो फिर हमारे पास इसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई और हमने सिंपली वैसे पी ओ एक्स लिया, उसे इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करके बाकी हमने एज इट इज़ वैसे सॉल्व कर लिया जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ओफ एक्स वाई इक्वल क्यू ओफ एक्स और वाई की पावर एन, इस फॉर्म में दिया गया। तो हमने क्या करना है, वाई की पावर एन जो होती है उससे पे इक्वेशन को डिवाइड कर देना होता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई की पावर थ्री है, तो पूरी इक्वेशन को वाई की पावर थ्री पे डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई की पावर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे y की पावर माइनस टू रह जाएगी क्योंकि इसकी पावर वन भी है, तो y की पावर माइनस टू इक्वल x आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने यहाँ पे लेट करना होता है, यहाँ पे जो चीज़ दी जाती है उसे y माइनस टू लेट कर लिया हमने v की इक्वल, ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू, और साथ में हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, सॉरी माइनस थ्री आ जाएगा, कम करेंगे तो माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, साथ में डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स के साथ क्या आ रहा है, माइनस टू भी आ रहा है, तो हम इस इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह बना लेंगे माइनस टू वाई की पावर माइनस थ्री डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस टू वाई की पावर माइनस टू इक्वल माइनस टू एक्स। अब इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, इस सारे की जगह हमने क्या पुट कर देना है, डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू और इसकी जगह वी, डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू वी। डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू वी और यहाँ पे माइनस टू एक्स वैसे ही आ जाएगा इक्वल माइनस टू एक्स, ठीक हो गया। हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई है, डी वी ओवर डी एक्स प्लस पी ओफ एक्स वी इक्वल क्यू ओफ एक्स, इस फॉर्म में इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास पी ओफ एक्स क्या है, माइनस टू, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर में, तो हमारे पास आ जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर माइनस टू एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस टू वी ई की पावर माइनस टू एक्स इक्वल माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स आ गया हमारे पास। अब ये डेरिवेटिव किसका बन रहा है, ये चीज़ लिखेंगे e की पावर माइनस टू एक्स, साथ में ये v लिख देंगे और बाहर बाकी जो बच के डी ओवर डी डी एक्स। अब देखें ज़रा, इसको एज इट इज़ लिख लिया, इसका डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स आ गया। अब हमने वी एज इट इज़ लिख लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले एज इट इज़ आता था ई की पावर माइनस टू एक्स और फिर साथ में इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, माइनस टू एक्स आता है और माइनस टू आकर कि पूरा एग्जैक्ट इसका डेरिवेटिव बन रहा है। अब इसे वैसे लिख लेंगे, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स आ गया हमारे पास। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी ओवर डी एक्स के इंटीग्रल के साथ कट जाएगा, हमारे पास इधर रह जाएगा माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स वाई
इसका माइनस टू एज अ कोफिशेंट वाई निकाल लिया और इस पर हमने इंटीग्रेशन वाई पार्स कर दी, मतलब इसे जी ऑफ एक्स कह दिया, इसे हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है और जी ऑफ एक्स हमारे पास ई की पावर माइनस टू एक्स है। सेकेंड वाले को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, वन आ गया, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर माइनस टू आ जाएगा। ठीक हो गया, पहले हमने इसे लिखना है और इसे लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर टू आ गया। फिर माइनस लगा के हमने नीचे वाले दोनों को लिखा, तो ये वाला माइनस और ये फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगी ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर टू, तो साथ में इंटीग्रल डी एक्स। माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इससे कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स, ये टू टू से कट जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स इसका इंटीग्रेट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ इंटीग्रेट किया था, सेम वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर टू आ जाएगा और साथ में प्लस सी आ जाएगा। अब इस तरफ हमारे पास क्या था, ई की पावर माइनस टू एक्स और साथ में वाई था, ये ई की पावर माइनस टू एक्स से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो, यहाँ से भी खत्म हो, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ वाई रह जाएगा। और वाई हमने क्या लेट किया था, सॉरी वी, वी हमने लेट किया था वाई माइनस वाई की पावर माइनस टू लेट किया था वाई, वी हमने यहाँ वी है वाई नहीं, ये वी था, पावर माइनस टू लेट किया था, यहाँ एक्स रह जाएगा प्लस वन ओवर टू प्लस सी, नीचे डिनोमिनेटर में ई की पावर माइनस टू एक्स है तो ऊपर आके ई की पावर प्लस टू एक्स हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं वन ओवर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस सी ई की पावर माइनस टू, सॉरी प्लस में है टू एक्स, ये हमारे पास वाई वन ओवर वाई स्क्वायर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन को एक्स पे डिवाइड करने ताकि द डी वाई ओवर डी एक्स अकेला रहे, एक्स पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स पे डिवाइड करेंगे एक एक्स रह जाएगा टू एक्स वाई, इसे एक्स पे डिवाइड करेंगे एल एन वाई ओवर एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे जो वाई दिया जाता है इस पे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन वाई पे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे पहले हम, फिर बाद में आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। y पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y की पावर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू एक्स, यहाँ पे एल एन वाई रह जाएगा और x आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे दी गई है इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व है और इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है, तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ। वो क्यों लेके जाएंगे, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि यहाँ पे पी ओ फैक्स और साथ में वाई आ जाए और यहाँ पे क्यू ओफ एक्स आ जाए, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ओ फैक्स वाई इक्वल क्यू ओफ एक्स, इस फॉर्म में आ जाए, इस तरफ सिर्फ क्यू ओफ एक्स होता है, तो इसे हम इस तरफ ले जाएंगे, इसे इस तरफ ले जाएंगे, वाई माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एल एन वाई ओवर एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है, किस चीज़ को करेंगे, यहाँ पे y माइनस वन है ना, तो मतलब यहाँ पे भी हम y वाली को ही लेट करेंगे, एल एन वाई को, v की इक्वल लेट एल एन वाई इक्वल v, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा वन ओवर y डी वाई ओवर डी एक्स, इसे वाई के पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, वही बन रहा है, इक्वल डी वी ओवर डी एक्स। अब हम इसमें पुट कर देंगे, ये चीज़ जो है सेम है, तो इसकी जगह डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा माइनस, इसकी जगह क्या आ जाएगा वी, मतलब वी ओवर एक्स आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक हो गया, हमारे पास फॉर्म बन गई यही वाली, मतलब अब वी आ गया, वाई की जगह वी आ गया हमारे पास, तो पी ओ एक्स हमारा क्या आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करके दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे ई की पावर में माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा एल एन
एक्स, और ये साथ में जो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था वो पावर में आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन या फिर वन ओवर एक्स। इसी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वन ओवर एक्स डी वी ओवर डी वी ओवर एक्स इसे वन ओवर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स डी वी ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स से करेंगे तो माइनस वी ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे वन ओवर एक्स से करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे टू रह जाएगा, एक्स से एक्स कट हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, अब हमें लिखना है कि किसका डेरिवेटिव है, यहाँ पर इसके साथ जो वैल्यू दी है उसे लिखेंगे, इसे लिख लेंगे साथ में, और बाकी जो बच गया डी ओवर डी एक्स उसे साइड पर लिखे। अब चेक करते हैं डी वाई वी ओवर डी एक्स ये साथ में एज इट इज़, अब वी एज इट इज़ और ये वन ओवर एक्स जो है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी ये एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स पहले से मौजूद था, अब एक ओवर एक्स आ गया तो एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद है हमारे पास, तो इक्वल टू लिख लेंगे। ठीक होगा, अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, इस ये इंटीग्रल के साथ हमारा कट जाएगा, तो वन ओवर एक्स वी आ जाएगा और ये हमारा टू एक्स आ जाएगा प्लस सी। ठीक हो गया, तो हम वी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, नेचुरल लॉग वाई, वी लेट किया था नेचुरल लॉग वाई, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नेचुरल लॉग वाई, एक्स जो है इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स हो गया, ये हमारे पास आ गई वैल्यू, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।